मुक्तिधाम पोरसा, जिसकी सुंदरता की बदौलत इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान मिला एवं इसके बाद एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है। इसकी सुंदरता को देखने के लिए दूर दराज से समाज सेवी भक्तगण आते हैं। आज बनारस, वृंदावन, आगरा, ग्वालियर आदि जगह से समाज सेवी आए और मुक्तिधाम देखा। मुक्तिधाम देखकर उन्होंने संतुष्टि प्राप्त की। मुक्तिधाम में स्थित महाकाल की सबसे पहले पूजा अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त किया। काशी से आए महासभा के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार पोरसा मुक्तिधाम से आशीर्वाद लिया। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज पोरसा का मुक्तिधाम में अखिल भारतीय माथुर वैश्य महासभा के अध्यक्ष पद हेतु उम्मीदवार अशोक कुमार गुप्ता और उनके साथी गणों ने मुक्तिधाम में सर्वप्रथम महाकाल का पूजन अर्चन किया और अपने पूर्वजों के हितार्थ दीप दान किया और दीप प्रज्वलित किया और कोरोना काल में हमसे दूर चले गए उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और महाकाल बाबा से विजय भव का आशीर्वाद लिया। आदि बाहर से आए हुए अतिथियों का फूल मालाओं से स्वागत किया गया और उन्होंने मुक्तिधाम की रचना पर कहा कि ऐसा मुक्तिधाम विश्व में नहीं देखा। बाहर से पधारे हुए अतिथियों ने मुक्तिधाम की सुंदरता को देखकर खुश होकर और सुंदर बनाने के लिए हम धन देने को तैयार हैं कहा और कुछ राशि बाहर से आए हुए अतिथियों ने अपने पूर्वजों की याद में मुक्तिधाम पोरसा को प्रदान की। मैं यहाँ के इतना आत्मविभोर हो गया, मैंने अब तक का सबसे अच्छा हैदराबाद का ये मुक्तिधाम देखा था, लेकिन यहाँ आके तो परिस्थिति बदल गई। ऐसा मुक्तिधाम तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं। मैंने लंदन का भी देखा है, न्यूयॉर्क का भी देखा है, ऐसा मुक्तिधाम मैंने कभी नहीं देखा। बहुत बहुत बधाई अपने समाज के सभी बंधुओं का कि कब वो विश्व में अपना नाम कमा रहे हैं। और जो कहते हैं ना, हम गर्व से कहो मातुर वैसे, ये गर्व का इससे बड़ा कोई काम नहीं है। बहुत बढ़िया, मैंने आज मुक्तिधाम के दर्शन किए, अभूतपूर्व आपने निर्माण किया है इसका। एक पूरे देश को संदेश दिया है कि अंतिम स्थान कौन सा है, कितना सुंदर है। मैं वहाँ से आशा करता हूँ कि ये आप दिन पर दिन बढ़ाते रहें। मैं यही कहूँगा, अहो भाग्य हमारे जो इस मुक्त धाम पर पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की जो प्राकृतिक छटा और जो विजन है डॉक्टर अनिल गुप्ता जी का, ये अपने आप में अनूठा है। ऐसे विजन का सृजन करने वाले लोग विरले होते हैं और उन्हीं विरलों की मेहनत और लगन से ये इतना सुंदर और पवित्र स्थान बन गया है कि ऐसा स्थान हमने कहीं, मैं कई दुनिया में कई देशों में गया हूँ, वहाँ नहीं देखा है। सच में अगर इसको देखकर लगता है, एक दो लाइनें मैंने किसी कवि से सुनी थी, उनकी सार्थकता मुझे यहाँ ध्यान आती है कि करो काम ऐसा कि पहचान बन जाए, चलो कदम ऐसे कि निशान बन जाए, यूं तो जिंदगियां सभी काट लेते हैं, जियो जिंदगी ऐसे कि मिसाल बन जाए। सुंदर और सही मायने में प्रकृति से प्रेम करने वाला रास्ता दिखाने वाला है। बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आगे बढ़िए इन शब्दों के साथ कि राह में कांटा पैरों में छाले, राह में कांटा पैरों में छाले, पहुंचेंगे फिर भी पहुंचने वाले। टाइम एज के लिए मध्य प्रदेश के पोरसा से धर्मवीर पचौरी की रिपोर्ट।